नाहल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। विधायकों सांसदों की पेंशन का मुद्दा काफी समय से सुर्खियों में रहा है। हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि कोई भी नेता जितनी बार भी विधायक या सांसद बनता है तो उसको उतनी दफा पेंशन मिलती है, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ता है। लेकिन आज पंजाब से बड़ी खबर आई, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि पंजाब में विधायकों को दी जाने वाली पेंशन के नियम को बदला जाएगा, जिसके तहत विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही टर्म में विधायक बन चुका हो। पंजाब का सीएम बनने के बाद से ही भगवंत मान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अब ऐसा ही एक फैसला सीएम भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन को लेकर लिया, जिसमें कई बार चुनाव जीतकर आने वाले नेताओं को हर टर्म की पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद लाखों रुपए पेंशन लेने वाले विधायकों को अब उनके एक ही टर्म की पेंशन दी जाएगी। अब तक राज्य में विधायकों को उनके हर टर्म की पेंशन दी जाती है, यानी अगर कोई चार बार विधायक चुना गया तो उसे चारों टर्म की पेंशन मिलती थी। यह पेंशन कई लाख रुपए तक पहुंच जाती थी, जिसे अब भगवंत मान सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से पंजाब में 5 सालों में 80 करोड़ से ज्यादा रुपए की बचत होगी। सीएम मान ने इस फैसले को लेकर कहा कि विधायक चाहे 2 बार जीते या 6 बार जीते, उसे सिर्फ एक ही टर्म की पेंशन मिलेगी। जो करोड़ों रुपए बचेगा उसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। नेताओं के परिवारों की पेंशन भी काफी ज्यादा है, उसमें भी कटौती की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पंजाब सरकार के फैसले पर तमाम अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या आती है, पंजाब की भगवंत मान सरकार के इस निर्णय का देशव्यापी असर कितना पड़ेगा, भगवंत के इस बड़े फैसले के क्या राजनीतिक मायने हैं, इन सवालों पर बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि भगवंत मान ने विधायकों की पेंशन को लेकर क्या कहा है। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हाथ बन के लोगों तो वोटा मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी, कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटा मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानू कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जित्या होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया 6 बार जितया होया नहीं आए विधानसभा, उन्होंने लखा रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की, किसी 3.5 लाख, किसी 4.5 लाख भी है, किसी 5.25 लाख भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा। कई MPs भी यहोजे ने जिहड़े MP की भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहले MLA रहे सी उहदी पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जितते, 5 बार जितते, 7 बार जितते, पर उन्हें पेंशन सिर्फ एक टर्म की मिलेगी। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्हें मिलेगी, जित भावें वह जिनी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा ये पेंशन घटाने बचेगा उन्होंने लोगों की भलाई पर खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशन ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो आपने सुना, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ तौर पर यह कहा है कि विधायक चाहे जितनी बार चुनकर आए लेकिन उसकी पेंशन एक ही टर्म की उसको मिलेगी। लाखों रुपए पेंशन लेने वालों की पेंशन को काटा जाएगा और एक दफा विधायक जो चुना गया है
वो चाहे चार बार पांच बार कितनी बार विधायक बने लेकिन उसको पेंशन एक टर्म की मिलेगी। दूसरी उन्होंने एक बात और कही कि जो परिवार को पेंशन मिलती है विधायकों के उसमें भी कटौती की जाएगी। बड़ी बातें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सांसद बन जाते हैं विधायक बन जाते हैं लगातार पेंशन मिलती रहती है और उससे करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पेंशन में चला जाता है। बड़ी बात यह कि मसला लगातार उठता रहा है कि जो पुरानी पेंशन नीति है उस पुरानी पेंशन नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर चुकी हैं, कुछ राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं, लेकिन जब से पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू हुई उसके बाद से यह मसला उठा कि जब कर्मचारियों की रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन जो है वो उनको नहीं मिलती है, पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दिया गया है, अब विधायकों की इस पेंशन नीति को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये सवाल उठते रहे। अब चर्चा करेंगे कि क्या यह मसला राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, पंजाब के सियासत में उठे इस मसले से देश दुनिया पर क्या असर होगा, देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, विपक्ष इसको लेकर क्या सोचता है, यह सवाल चर्चा का विषय है। मेरे साथ अभी दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। बॉबी सिंह जन प्रतिनिधि मेरे साथ हैं। बॉबी सिंह जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जगतार संघेरा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ हैं। संघेरा साहब बहुत स्वागत है आपका। पहले जगतार संघेरा साहब आप ही से सवाल कर लेता हूं, इतना बड़ा निर्णय, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, अब इसका सियासी असर क्या पड़ेगा, इससे आम आदमी पार्टी को किस तरीके से लोग देखेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या सामने आएगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा फैसला ये आम आदमी पार्टी ने खासकर में पंजाब सरकार की बात क्यों लिया, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है जिसके चलते ये डिसीजन भगवंत मान को सीएम बनने के तुरंत बाद थोड़े समय के बाद लेना पड़ा है? आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है जी, और आम आदमी पार्टी के सभी फैसले हैं जो हटकर होते हैं, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता सरकार में आने के समय नहीं ले सकते। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा बढ़ा कर इतना कर लिया है कि उसमें उसके साथ मैचिंग ही कोई नहीं है। देखिए, इम्प्लॉइज या ऑफिसर्स ऑफिशियल्स बाकी सभी वो 25 साल की अब है, पहले 35 साल होती थी फुल पेंशन लेने के लिए, 25 साल सर्विस करने के बाद एक पेंशन मिलती है, अगर उसमें कोई री एम्प्लॉय भी होता है तो पेंशन उसको एक ही मिलती है। सो इधर तो जितने साल रहे हैं वो उतनी पेंशन मिलती है, जैसे भगवंत मान साहब ने बताया कि कोई एमएलए रहा पहले तो बाद में एमपी बन गया वो भी दोनों पेंशन ले रहा है, कोई एमएलए चार बार बन गया या पांच बार बन गया वो भी पेंशन ले रहा है, और पेंशन जो है 2 लाख से लेकर 6,20,000 6,50,000। एक मिनट रोकूंगा आपको, मेरे साथ दोनों और मेहमान भी जुड़ गए, मैं उनका परिचय एक बार करा देता हूं फिर आप बात को पूरी करें। मेरे साथ संजय कपूर है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। कपूर साहब बहुत स्वागत है आपका। राणा बलजीत चहल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। चहल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। संघेरा साहब अपनी बात पूरी करें। ये तो पंजाब ने रास्ता दिखाया है, पंजाब सारे इंडिया को रास्ता दिखा रहा है कि कैसे किन किन चीजों को रैशनलाइज करना चाहिए। पंजाब रास्ता दिखा रहा है, भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब रास्ता दिखा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल साहब हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर हैं जब वो रास्ता दिखा रहे हैं कि हर एक चीज की रैशनलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोग जो सेवा करने के लिए आते हैं वो अपनी तनख्वाह अपने भत्ते और अपने लिए लाखों करोड़ों रुपए के जो बेनिफिट्स हैं वो तय कर लें और आम लोगों के को खाने को रोटी भी ना मिले। सो 80 करोड़ रुपए इससे बचत होगी जो आम लोगों की भलाई के लिए खर्च की जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा फैसला है, ठीक है, जो हमने पहले से ही सोचा हुआ था। हाँ। भगवंत मान साहब ने इसको इसका तहैया किया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह इन द लेटर एंड स्पिरिट लागू करेंगे। संघेरा साहब आपकी तरफ से जैसे आपने कहा कि सरकार का बढ़िया फैसला है और आम आदमी पार्टी या पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब सरकार रास्ता दिखा रही है, लेकिन इस रास्ते को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी क्या सोचती है, इस राउंड से भी कमेंट लेना चाहूंगा मैं। कपूर साहब, ये भगवंत मान सरकार का निर्णय, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या विचार रखती है, इस निर्णय को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। देखिए, जो आज
चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने वन पेंशन पर एमएलए का फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है जी। आज पंजाब एक बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। आज पंजाब के सिर पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और पंजाब के हालात ये हैं कि अगर अगले 5 सालों में पंजाब की इकोनॉमी को सुधार नहीं किया गया तो पंजाब एक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से उसे कोई भी निकाल नहीं सकता। पर मुझे खुशी होगी जहां इन्होंने ये निर्णय लिया है पेंशन को रिड्यूस करने का, अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए भी ये डिसीजन लें कि वो सरकार से कोई सैलरी भी नहीं लेंगे, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्री बलराम जी दास टंडन जी ने 2017 में राष्ट्रपति जी ने सभी गवर्नर्स की सैलरीज को बढ़ाया था, ऑलमोस्ट सैलरीज को डबल कर दिया था। उस समय टंडन साहब ने राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सैलरी है, इतनी सैलरी की हमें जरूरत नहीं है, सरकार हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज और भी देती रहती है, तो जो एडिशनल सैलरीज आपने गवर्नर्स की बढ़ाई है मैं इसे लेने से इनकार करता हूं। ये तो देखिए कि हर पॉलिटिशियन का अपना करेक्टर होना चाहिए। अगर आज पंजाब में इन्हें लग रहा है कि पंजाब एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, पेंशन को बंद करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर ये निर्णय लें कि आम आदमी की पार्टी के एमएलए कोई सैलरी भी ना लें, तो मुझे लगता है कि ये जनता में एक बहुत अच्छा उदाहरण जाएगा। ये सवाल मैं पूछूंगा संगेरा साहब से, लेकिन एक सवाल इसमें मेरा आपसे भी है कपूर साहब। ये सवाल आपने दागा है, सवाल को लेकर जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्या जवाब देते हैं संगेरा साहब, लेकिन क्या इसकी पहल विपक्षी पार्टियों को नहीं करनी चाहिए? हालांकि आपने कहा कि पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट इस वक्त है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी सैलरीज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन क्या इसकी पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर पंजाब सीट की बात कर लें या और राज्यों की बात करें, वहां से होगी, इसकी शुरुआत होगी क्या? आप सलाह दे रहे हैं लेकिन इस सलाह को अगर अपने आप पर अप्लाई करें तो और ज्यादा बेहतर मुझे लगता होगा। क्या कहेंगे, जवाब लेंगे संगेरा जी, लेकिन आपसे इसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए ये डिसीजन लेते हैं कि वो सैलरीज नहीं लेंगे, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी ये डिसीजन लेंगे कि वो भी सैलरीज नहीं लेंगे। क्योंकि आज सबसे पहले मुद्दा पंजाब में ये है कि पंजाब को आर्थिक संकट से उभारना है और उसके लिए किसी भी हद तक अगर भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसकी पहल बीजेपी क्यों ना करे? ये पहल इधर से हुई है, विधायकों की पेंशन को लेकर शुरुआत हुई कि वो पेंशन नहीं दी जाएगी, इसको लेकर तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन जो सैलरी की आप बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत क्यों ना बीजेपी करे पंजाब से? मैं दोनों पार्टियों से बात करूंगा, लेकिन आपने सवाल किया तो जवाब आपसे भी चाहूंगा मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करने से कोई इनकार नहीं कर रही है, बट सरकार लेकिन शर्त के साथ, आप शर्त के साथ बात कर रहे हैं, शर्त नहीं होती सर, ऐसी चैरिटी में शर्त नहीं होती है। और एक पुरानी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आज सरकार आम आदमी पार्टी की है। ये गेंद आपके पाले में भी है कपूर साहब, ये गेंद इस वक्त आपके पाले में भी है, हम इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे जी। अगर ये करते हैं तो हम भी इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ ये कहा कि ये अगर कोई कदम उठाते तो फिर हम भी पीछे नहीं रहेंगे। संगेरा साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले राणा बलजीत चहल से मेरा सवाल। चहल साहब, क्या इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने इसको कहा कि अच्छा कदम है, हम इसको स्वीकार करते हैं और इसको लेकर कोई इनकार नहीं है, क्या कहती कांग्रेस पार्टी? देखिए शमशेर जी, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया भगवंत मान जी ने जी, जिसके लिए काफी समय से चर्चा भी हो रही थी। कांग्रेस के टाइम भी इस बात पे चर्चा हो रही थी, पता नहीं किन बातों को लेके कहीं ना कहीं पे विराम चिन्ह लग जाता था। बट ये जो डिसीजन होते हैं, हार्ड फैक्ट डिसीजन होते हैं, ये सीएम को ही लेने पड़ते हैं जी। तो ये जो स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो पंजाब का रेवेन्यू है उस पे थोड़ा बहुत जो बोझ डला हुआ है वो कम जरूर होगा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैंने तो आपसे पहले भी डिबेट में एक में यही बात कही थी कि जहां हर बात ये नहीं थी होती कि हम लोग किसी का क्रिटिसिज्म करी जाएं, किसी ना किसी ढंग से उसको जो काम अच्छा करेंगे तो उसके लिए इनको अच्छा भी कहेंगे और जहां पे विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। और जहां तक आपने बात की, मेरे बीजेपी वाले सज्जन ने बात की, बिल्कुल इन्होंने बात सही की है कि अगर पेंशन छोड़ी जाए, पर मैं सोचता हूँ इस बात को लेके कि जो आम आदमी के एमएलए आए हैं वो कुछ ऐसे घरों से आए हैं कि आम लोगों से आए हैं, वो
ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं। कुछ एमएलए ऐसे भी हैं इनके जिनका मुझे पता है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो डेली बाय हैंड टू माउथ था। अगर वो आज लोगों की सेवा करेंगे और ये छोड़ देंगे तो उनका जो परिवार है कहीं ना कहीं उसको पालने में उनको बड़ी तकलीफ होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसे विधायक होंगे जो छोड़ सकते हैं इनकी पार्टी में, वो उनको छोड़नी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ ओपनली ऑन योर प्लेटफॉर्म कि कांग्रेस पार्टी और जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी है, इनके जो विधायक हैं उन्होंने बहुत देर से ये जो सेवाएं हैं पेंशन की ले रहे हैं, अगर वो ये स्टेप पहले ले कि हम छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आम आदमी भी छोड़ देगी। क्योंकि ये अकेली बात ये नहीं है, पेंशन छोड़ने की बात है। बहुत, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, आम आदमी में बहुत से एमएलए ऐसे आए हैं जो हैंड टू माउथ है। लेकिन ये चिंता की बात तो फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को नीचे, इसकी कांग्रेस चिंता क्यों कर रही है? एक मेरी बात सुनिए, जो एक अच्छा स्टेप लिया गया है पार्टी के तरफ से स्टेप लिया गया है, क्योंकि आम आदमी अभी तक जितना काम किया इन्होंने लोगों की भलाई में किया, हम लोग भी अपनी पार्टी में होते हुए चार साढ़े चार साल हम भी अपनी पार्टी में होते हुए विपक्ष की भूमिका ही निभाते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा है, रजवाड़ा भाई के बारे में सोचा है। तो अगर आम लोगों के बारे में कोई पार्टी सोचती है, हम लोग आम घरों से आए हम सोचेंगे तो बात कर देंगे, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए जो बात एक निरपक्ष तौर पर होती है। लेकिन कपूर साहब एक बात ये कर रहे हैं, बीच में उन्होंने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक पेंशन को अपनी अपनी सैलरी को छोड़ते हैं तो हम इसको लेकर हम भी कदम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, इनके इनके फुटस्टेप को फॉलो करने की बात सामने आती है तब ऐसा होता है, या अपनी भी पहल कोई कांग्रेस पार्टी के विधायक कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े से विधायक कर सकते हैं, बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो लगातार एमएलए बनते रहे, जो लगातार पार्लियामेंट में जाते रहे हैं, जो मिनिस्टर्स बनते रहे हैं, जिनके पास पीछे से फैमिली बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो लोग छोड़ सकते हैं। पर कुछ कांग्रेस में भी ऐसे एमएलएज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जो फैमिलीज हैं उनकी पेंशन के सहारे चल रही हैं। जी, तो ये चीज है वो सभी पार्टियों में है, जो बंदा छोड़ सकता है, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसे छोड़नी चाहिए। ठीक है, चहल साहब एक बात कर रहे हैं कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो पेंशन को छोड़ सकता है, छोड़ दे, इसमें कोई उनको आपत्ति नजर नहीं आती। इस फैसले का चाहे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी है दोनों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। मैं इसको लेकर बोबी सिंह है हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करता हूं। बोबी सिंह जी, आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया और तीनों इसको कारगर कदम बता रहे हैं, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, ये निर्णय लिया गया है ये आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लिया गया है, एक राजनीतिक स्टंट यह आपको लगता है, या फिर एक ऐसा कदम है जिसका असर इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और राज्यों में भी देखने को मिल सकता है? इस नजरिए को, इस चीज को किस नजरिए से आप देखते हैं? पहले तो मैं भगवंत मान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही उनके इस निर्णय का बहुत 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 स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक पहल की है। और जैसे मेरे अजीज भाई इन्होंने कहा कि बाकियों को भी अपनी पेंशन बंद कर देनी चाहिए, तो मैं ये एक किसको जरूरत है पेंशन की किसको नहीं है इसका क्राइटेरिया तय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी, जैसे मेरे भाई ने कहा कि कई की डेथ हो चुकी है और उन्हीं के ऊपर उनकी वो जो पेंशन आ रही है उसके ऊपर घर का गुजारा चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाकर स्वेच्छा से जो भी एमएलए जो भी विधायक अपनी पेंशन बंद करवाना चाहता हो वो आगे आए और एक मिसाल पेश करें। ये जो इनका डिसीजन है पेंशन एक करने का बहुत ही सराहनीय है, इससे लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए पंजाब के खजाने में आएगा और उससे कुछ अच्छे काम किए जाएंगे। जी ठीक है, सगेरा साहब अच्छा कदम, दोनों विपक्षी पार्टियां इसको बता रही, लेकिन इस बीच आपने सुना कपूर साहब को, उनका एक ही बात इसमें और ऐड करने की बात सामने आई कि अगर विधायक भी अपनी तरफ से सैलरी छोड़ने का अपनी तरफ से प्रयास करें, उधर से कदम उठाया जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में सोचेगी, वो भी आपके जो कदम जो चिन्ह है उनके ऊपर चलेगी। देखिए, जो मैं समझता हूं बात कपूर साहब की, जो कपूर साहब ने कहा है उन्होंने अच्छी भावना से ही कहा है जी। लेकिन मैं इसमें जो मैं सोचता हूं, जहां हमारी पार्टी सोचती है, ये पंजाब गवर्नमेंट कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है। पहले भी जब ऐसी अपील की जाती है
तो वो जो ओरिएंटेड है, कोई आफत आई है उस पर कोई प्रधानमंत्री फंड या सीएम फंड बनाया गया है, वहां तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं, लेकिन जो एमएलए हैं उनको ही आप उसको फोर्स चैरिटी उनके सामने रख दो। जैसे मैं आज ऐलान कर दूं कि मैं जो मेरा घर है मैं ये आम आदमी पार्टी को डोनेट करना चाहता हूं, मैं एक और छोटे से कमरे में चला जाऊंगा पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि मेरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे, और जो जब कोई एमएलए बन जाता है उन्हें लोगों में जाना है, साफ सुथरे रहना है, तो उसका खर्च वैसे भी बढ़ जाता है। सो ये फोर्स चैरिटी के हम हक में नहीं है। एक तो कानून बनाते हैं फिर उसको इन्फोर्स करना होता है, सो उससे भी लीकेज होती है रेवेन्यू की या बाकी चीजों की। सो मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, पिछली बार कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने कहा कि जो बिजली पानी फ्री है फार्मर्स को, जो बिग फार्मर्स हैं सदन में भी बैठे हैं, ये अपनी सब्सिडी छोड़ दें। और मोदी साहब ने भी कहा था कि सिलेंडर की सब्सिडी जो अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ दें, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए। सो गवर्नमेंट है जो तो सिंपल ट्रांसपेरेंट लॉ, रैशनल लॉ बनाना चाहती है और उसको इन्फोर्स करना चाहती है जिससे आम लोगों का भला हो। ये चैरिटी संस्थाएं या चैरिटी करना एक एंटायरली डिफरेंट विषय है, इसको इससे रणगंड नहीं करना चाहिए। जो हम पंजाब में कानून बनाकर उसको रैशनल कर रहे हैं और आम लोगों के भले के लिए कानून बना रहे हैं और उसकी इन्फोर्समेंट भी हम करेंगे, ये दोनों बक-बक बातें हैं। अगर अपने आप कोई भी चैरिटी करना चाहता है वो तो कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट को भी डोनेट कर सकता है, किसी गांव में भी सुधार के काम कर सकता है। और हमारे यहाँ बहुत एनआरआई भाई हैं और लोकल भी हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं संस्थाओं को, कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का मुख्य काम है जो कानून जो है, जो वो लोकपक्षी कानून बनाने, उनको सिंपल बनाना और उनकी इन्फोर्समेंट करना, लोगों की जान माल की रखी करना और देश की जो उसके विकास के लिए काम करना। तो इसमें प्रोत्साहित करने का प्रयास तो किया जा सकता है। देखिए, चर्चा जब इस बात पर चली है कि जो विधायक कई बार विधायक रह चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं और उनको सिर्फ एक ही बार की पेंशन मिलेगी, तो ऐसे भी बहुत से विधायक हैं, वो चाहे किसी पार्टी की बात कर लें, जिनकी सालाना आमदन की बात करें या मासिक जो आमदन की बात करें, और लाखों में है उसकी तादाद, लेकिन उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की बात की, लाखों लोगों ने छोड़ी, उसमें लाखों की तादाद में लोग भी शामिल हैं, उसमें सैकड़ों की तादाद में विधायक और सांसद भी शामिल हैं, तो इसके लिए भी क्या प्रयास हो सकता है? ये भी एक अहम कदम है, इससे भी बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। क्या ये भी कदम उठाने के लिए सरकार सोच रही है? भगवंत मान इसको लेकर भी लोगों को प्रोत्साहित करने की सोच रहे हैं, या फिर ये अंदर से भी कोई आवाज उठ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है, मैंने इसको मुकम्मल रूप से रद्द नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जो सिलेंडर की जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, या जो विधायक भी कुछ अपनी तनख्वाह छोड़ देंगे या अपनी उससे आधा डोनेट कर देंगे सरकार को, वो टोटल अमाउंट का बहुत छोटा परसेंटेज होगा। जैसे मेरे कुछ भाइयों ने बोला है, ये कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, सर बूंद बूंद से सागर भरता है। सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मैं आज इसी मसले पर चर्चा कर रहा हूँ कि पंजाब में जिस तरह से जो कर्ज है उसकी कर्ज की जो सीमा लगातार बढ़ रही है, और आपने कहा कि छोटी से अमाउंट, देखिए 80 करोड़ भी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है 3 लाख करोड़ के सामने। वही एक बात जरूर है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है सागर भरता है, ये सब जानते हैं, इसकी कोशिश होनी चाहिए, ये एक प्रयास होना चाहिए। और इसको लेकर मैं बात करूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, आपके पास लौटूंगा तो बातचीत में करूंगा कि ये जो प्रयास किया गया, ये जो कोशिश की गई है, ये जो कदम उठाया गया है, इस कदम का दूरगामी परिणाम क्या होगा, असर क्या होगा? जो पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग उठ रही है, क्या उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चर्चा कम हो जाएगी? क्योंकि इसके लिए एक ही पैरेलल चीज खड़ी कर देते हैं जो भी लोग पुरानी पेंशन नीति की बात करते हैं, कि सांसदों विधायकों को तो पेंशन मिल रही है, 5 बार 6 बार विधायक बने पेंशन ले रहे हैं, लेकिन एक कर्मचारी का कसूर क्या है जिसने एक नौकरी की 25 से 35 साल 30 साल 35 साल नौकरी की और उसको अब पेंशन नहीं मिल रही है? तो ये क्या इस बात का असर पड़ेगा, पुरानी पेंशन नीति को लागू करने का जो एक जोर चल पड़ा है उस पर उसका असर कम होगा, या फिर विधायकों की पेंशन को जो पंजाब सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन जो लगातार विधायक पेंशन ले रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार बने
वो बंद करने के बाद इसका देश की सियासत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, इस पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कबीर अमरेजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 कोड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृत जाइम सिरप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इसी बात को लेकर हम कर रहे थे कि पंजाब सरकार की तरफ से विधायकों को 1 टर्म की पेंशन मिलेगी और जो विधायक 5 बार 6 बार विधायक बन चुके, 7 बार 8 बार 10 बार, उन विधायकों को चाहे विधायक कितनी बार बने हो लेकिन पेंशन उनको एक ही बार की मिलेगी। और जो 3-3 लाख 4-5 लाख रुपए तक जो पेंशन हो चुकी है कुछ विधायकों की, उनको अब 70,000 से 75,000 रुपए पेंशन मिला करेगी। इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पेंशन की राशि है इससे करोड़ों रुपए हर महीने जो हमारा खजाना है उसके ऊपर बोझ पड़ता है। किसी राज्य सरकार की बात कर लें, केंद्र सरकार की सांसदों की बात कर लें, और ये कहकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां सियासी दल कहते रहे, चर्चा करते रहे कि इसलिए जरूरी है पेंशन या खर्च क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसी स्थिति में अपना घर खर्च चलाने के लिए यह सब करना पड़ता है। लेकिन क्या पंजाब सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है इसका असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा, और केंद्र में बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कई कई बार सांसद बन चुके हैं वो भी लगातार पेंशन ले रहे हैं, इसका असर वहां की राजनीति पर भी पड़ेगा क्या? ये चर्चा का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि पुरानी पेंशन नीति को लेकर कई राज्यों में मांग उठ रही है कि इसको लागू कर दिया जाना चाहिए, इसकी मांग लगातार हो रही है। 2004 में इसको बंद कर दिया गया था लेकिन उसके बाद से इस पर चर्चा हुई और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ राज्य सरकारों ने इसको लागू कर दिया है। अब एक मसला तो ये कई पुरानी पेंशन नीति की मांग पंजाब में ना उठ जाए या लगातार जो उठ रही उस मांग को कहने के एक विराम मिले, या फिर जो खर्च बढ़ गया है, जो खजाने के ऊपर बोझ बढ़ गया है, उस बोझ को कम करने के लिए इस कदम को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरता है, और ऐसे बहुत से ऐसे निर्णय आने वाले दिनों में पंजाब सरकार की तरफ से लिए जाएंगे, इनका असर देश के अन्य राज्य सरकारों पर क्या पड़ेगा, यह चर्चा का विषय। मेरे साथ मेहमान बने हुए संजय कपूर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, राणा बलजीत चहल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं, बॉबी सिंह जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं और जगतार संघेरा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ हैं। संघेरा साहब, आपसे मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि वो अमाउंट बहुत थोड़ी बनेगी लेकिन मैंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या इसके ऊपर भी काम होना चाहिए? विधायकों की जो सैलरीज हैं उनको लेकर भी बात होनी चाहिए क्योंकि ये राज्य सरकारों के अलग अलग राज्यों में बात करें तो कहीं पर ये 70,000 रुपए, कहीं पर 1 लाख, कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 2.5 लाख रुपए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से विधायकों को तनख्वाहें दी जाती हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ी उसकी अमाउंट है, क्या इस पर काम नहीं होना चाहिए?
मैं केवल पंजाब की बात न करके पूरे देश की बात कर रहा हूँ। शमशेर भाई, मैं इसको पूरी तरह रद्द नहीं कर रहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उस पहले भी कहा कि कपूर साहब ने जो आइडिया दिया है आइडिया अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये वॉलंटरीली होगा ना, वॉलंटरीली बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जो सरकारी संस्था है, सरकार है, गवर्नमेंट्स हैं, इनका प्राइमरी मोटिव जो है वो ट्रांसपेरेंट लॉ बनाना और उसकी इन्फोर्समेंट करना और बाकी देश को आगे लेकर जाना, अपने सूबे को आगे लेकर जाना। सो कानून के जरिए जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो पंजाब सरकार है, हम घड़ा भरेंगे, हम खजाना भरेंगे पंजाब का, वो उन साधनों से भरेंगे जिन साधनों को पहले लूटा जाता था, जो निजी पॉकेट्स में चला जाता था पैसा, जो सरकार के खजाने में आना चाहिए था, उधर से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारा मुख्य फोकस उधर है, लेकिन आइडिया ये भी बुरा नहीं है, ठीक है, ये तो किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये विचार अच्छा है, इस विचार का स्वागत आम आदमी पार्टी भी करती है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, लेकिन कपूर साहब जैसा आपने कहा कि इसकी पहल आम आदमी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, सरकार पंजाब की तरफ से होनी चाहिए, अब इसको लेकर कहा कि विचार बुरा नहीं है, विचार अच्छा है, इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमारा हम भी चाहते हैं कि आज पंजाब में, आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। आज हर पंजाबी चाहता है कि पंजाब इस जो क्राइसिस है ना, उससे बाहर आए। आज पंजाब में माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इकोनॉमी का बिल्कुल पट्ठा बैठा हुआ है। सो हर पंजाबी की बेसिक इंटेंशन है कि आज जो क्राइसिस पंजाब फेस कर रहा है, अगर इन 5 सालों में पंजाब ने एफर्ट नहीं किए इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए, तो 5 सालों बाद सिचुएशन पंजाब में ऐसी हो जाएगी कि इसको, पंजाब को इस क्राइसिस से कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है पेंशन को कम करने का, ये बेसिकली जो पंजाब सरकार का खजाना है उस पे बोझ को कम करने के लिए लिया गया है। ये अच्छा निर्णय है, पर दूसरी तरफ मैं जब ये देखता हूँ कि जब सीएम भगवंत मान जी की ओवर टेकिंग सेरेमनी थी, वहां पर 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, 40 एकड़ जमीन पर बेसिकली जहां पे फसल लगी हुई थी उसको सारा निकाल दिया गया, तो मुझे कई बार मन में शंका से उत्पन्न होती है, क्या हम ये जो कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं और हम पर क्या ये लॉ, ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती? अगर भगवंत मान जी जो सीएम की जो ओथ है गवर्नर हाउस में भी ले सकते थे, और जब इन्हें यह भी मालूम है कि आज पंजाब एक बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो ये एक अच्छी एग्जांपल सेट करते कि गवर्नर हाउस में थोड़े लोगों के साथ ये सीएम की ओवर टेकिंग सेरेमनी करते, जिससे पंजाब के खजाने पर अधिक बोझ ना पड़ता। सो इसलिए मैंने एमएलए की पेंशन को वापस लेने की बात, सैलरी को वापस लेने की बात इसलिए की कि आप एक उदाहरण सेट कीजिए जिससे जनता में आपके प्रति विश्वास जागे, क्योंकि जनता ने आपको 92 MLA चुन के आप पर एक बहुत बड़ा विश्वास जताया है, और वो लोग चाहते हैं कि आप पंजाब के लिए सीरियसली कोई कार्य करें। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि एक उदाहरण पंजाब के लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए आप स्थापित करें कि भाई पंजाब ने आगे बढ़कर, आम आदमी पार्टी के MLAs ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने आगे बढ़कर एक सारे देश के लिए एक उदाहरण। ठीक है कपूर साहब, लेकिन एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 हमारी तरफ होती है, आपकी भी कई राज्यों में सरकारें हैं, ज्यादातर में आप ही की सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है, और 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाया गया पंजाब सरकार की तरफ से, इसको लेकर बाकी स्टेट्स में बीजेपी या कांग्रेस पार्टी और तमाम राज्य सरकारें क्या सोचती हैं, सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट राणा बलजीत चहल से मैं करना चाहूंगा। चहल साहब, एक बड़ा मसला पुरानी पेंशन नीति को लेकर चर्चा में रहा, कांग्रेस पार्टी की कुछ राज्यों में सरकारें, वहां पर इसका आगाज हुआ है, क्या यह भी महत्वपूर्ण है कि जो आवाज उठ रही थी कि पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू कर दिया जाए, उस मसले को फिर से कहीं ना कहीं हवा ना मिले, क्या यह भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि इस चीज के जरिए कहीं ना कहीं लोगों के इस विचार को, भाव को शांत करने का प्रयास किया गया है भगवंत मान सरकार की तरफ से, और जो बाकी राज्यों में बात उठ रही है कि पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू कर दिया जाए ताकि लोग जो है अपने भविष्य को, अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुखद तरीके से बिता सके। अगर शमशेर जी, अगर इन चीजों को देखते हैं दोनों पहलुओं से देखें, तो जो बिल्कुल सही बात है, जो बंदा 25-30 साल नौकरी करता है उसको एक पेंशन मिल रही है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गया वो भी 5 दशक तक रहता है अगर कोई भी, तो वो 5 पेंशन ही ले रहा है, तो ये बड़ा गंभीर मसला था, ये भी सोचने वाला विचार था। पर जहां आज पंजाब की स्थिति है, जहां पे पंजाब खड़ा है,
आज हमें पंजाब को बचाने की बात करनी चाहिए, और उसको बचाने के लिए जैसे खून से गड़ा भरने वाली बात आपने कही है, उसके लिए ये जो आज भगवंत मान जी ने स्टेप लिया है, मुझे लगता है कि काफी कारागार सिद्ध होगा ये। ठीक है, बोबे सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ये मसला पुरानी पेंशन नीति का भी चर्चा में रहा है, लेकिन एक बात और अहम इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि शुरुआत तो चलिए पंजाब से हुई है, लेकिन क्या ये आवाज, ये बात पूरे देश तक जानी चाहिए, सेंटर में जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो कोशिशें की जाती हैं, जैसे मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है सागर बनता है, अब ऐसे में शुरुआत तो हुई है, लेकिन इस शुरुआत का असर आप कहां तक देख पाते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई बार राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक खिसक ना जाए इसलिए ऐसे निर्णय ले लेती हैं, लेकिन उसका फायदा आखिरकार होता आम जनता को ही है। बहुत ही सराहनीय कदम है, जो पहली वाली पेंशन जो रुकी हुई है उसको जो बहाल करने का मुद्दा है उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करके जो सभी इसको नॉन पॉलिटिकल मुद्दा करके अच्छे बुद्धिजीवी बैठे और इसके ऊपर विचार विमर्श करें, अगर ये कुछ जनता के हित में है तो जरूर करना चाहिए। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मेरे भाई कपूर साहब ने बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सदन में जब ये बिल आए तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टी से, इसको जरूर इनको समर्थन दें बिल को, और एक ये शुरुआत हुई है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जो आकर एक शुरुआत की है, आगे भी ऐसे कुछ और कदम ये उठाए जो पंजाब के हित के लिए हो। बाकी तमाम राजनीतिक दलों के लिए आपका क्या मानना है, क्या इसकी कोशिश सभी राज्यों में होनी चाहिए, केंद्र से भी इसकी पहल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक और बड़ी बात इसमें है बॉबी साहब, एक बड़ी बात इसमें और भी है कि वहां पर भी बहुत से ऐसे सांसद हैं जो कई कई बार सांसद बन चुके हैं, उनके परिवार हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, और इसकी भी कहीं ना कहीं अमाउंट जो है वो लाखों में चली जाती है, तो क्या उस पर भी काम होना चाहिए, उस पर भी पहल होनी चाहिए, शुरुआत चाहे कहीं से भी, अच्छी शुरुआत कहीं से भी हो, उसका अनुमोदन, उसका पालन बाकी जगहों से भी होना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छी चीज की शुरुआत हो चुकी है, फिर मेरा वही एक आपसे अनुरोध आ जाता है कि इस चीज का एनालिसिस करना कि किसको जरूरत है किसको नहीं है, स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, अपने आप वॉलंटियरली आगे आना चाहिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितनी शुरुआत हो सके जितना भी बचाव हो सके हमें वो करना चाहिए। बाकी स्टेट से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को जरूर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सगेरा साहब, कुछ लोगों ने सवाल किया उसका भी जवाब दे, लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी एक बार ये मसला उठा था जब विधायकों की सैलरी को बढ़ाने को लेकर, हालांकि उसको अनुमोदित नहीं हो पाई वो, और उसको लेकर सवाल भी उठा 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हमने देखा था कि अगर वो चीज़ें लागू हो जाती तो दिल्ली में भी MLA की जो सैलरी थी वो 2 से 2.5 लाख रुपये तक पहुँच जाती, हालांकि आज की जो मेरे पास रिपोर्ट है वो लगभग 90,000 रुपये सालाना, 90,000 रुपये मंथली के हिसाब से है रिपोर्ट मेरे पास जो जानकारी है। अब ये मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि क्या जो पंजाब से शुरुआत हुई उसका असर दिल्ली में भी दिखेगा। देखो, दिल्ली में जो भी विधायकों की सैलरी है उसको रैशनलाइज किया गया था, वो कोई दूसरी राज्य के विधायकों से ज्यादा नहीं है, उसको रैशनल किया गया था, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें, मेरे ख्याल से कोई उसमें तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, वो जो पेंशन वाली बात है वो भी सही है, उसको उसका रिव्यू होना चाहिए, जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, जब वो कमाने के लायक नहीं रहता या वो इतनी उसमें नर्दी नहीं होती ओल्ड एज में, जिसने पब्लिक सर्विस की है सारी जिंदगी, उसको सफिशियंट उसके गुजारे के मुकाबले उसको पेंशन मिलनी चाहिए, सो उसको घटाने का कोई ज्यादा वाजिब कारण नहीं था। पर मैं एक बात जरूर कहनी चाहता हूं कि कपूर साहब कह रहे हैं कि हाँ डोनेशन का भी करना चाहिए, जितना भी हो सके अच्छा है, पंजाब ने इंडिया की लड़ाई लड़ी है, जब गड़बड़ वाले हालात थे तो पंजाब ने पंजाब के सिर पर सबसे ज्यादा कर्ज चढ़ाया है, और इकोनॉमिक्स की एक टर्म होती है विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी, इस वक्त पंजाब विशियस सर्कल ऑफ कर्ज में फंस गया है, ये कपूर साहब ने भी बार बार हाईलाइट किया है। ये केंद्र सरकार क्यों नहीं हेल्प करती पंजाब की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जब कोई विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो या विशेष सर्कल में फंसा हो उससे बाहरी मदद की भी जरूरत होती है। आप केंद्र सरकार से तो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद करे, लेकिन ये ऐलान तो आप ही लोगों ने किया था ना, ये ऐलान तो आप ही लोगों ने किया था ना, एक मिनट, ये ऐलान तो आप ही ने किया था संगेरा साहब कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1,000 रुपए महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। अब ये इस तरह के ऐलान करके आप लोगों ने चुनौती पैदा कर दी अपने सामने, वो तो आप केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए की बात मांग कर रहे हैं
लेकिन ये जो शुरुआत आपने की, फ्री बिजली देने के बाद आपने की, तो फ्री में चीजें कहां से आएंगी? अब कर्ज का बोझ है पंजाब पर, आप वहां पर वादे कर दिए आपने बड़े बड़े, जिसमें 25,000 रुपए कर्मचारियों की भर्ती को लेकर आप बात कर रहे हैं, 1,000 रुपए महिलाओं को देने की आप लोग बात कर रहे हैं, बिजली की आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनौती पैदा कर रही है पंजाब के सामने, सरकार के सामने। देखिए, हम वो भी करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हट रहे कि जो हमने वादे पूरे किए हैं किए नहीं जा सकते, लेकिन ये हमारा हक है केंद्र से मांगना, क्योंकि पंजाब पहले ही विश्व सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस चुका है, उसमें हमारी पार्टी का या पंजाब के लोगों का कसूर नहीं है, राजनेताओं का कसूर है, बड़े लोगों का कसूर है जिन्होंने पंजाब को लूटा है, या ऐसे हालात गड़बड़ वाले बन गए थे जिन दिनों में पंजाब के सिर पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। सो हम उस कर्ज को भी उतारेंगे, जो हमने वादे किए हैं वो भी पूरे करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार एक बड़ा भाई है, माई बाप का रोल होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का राज्यों के प्रति, और केंद्र सरकार के पास फंड होते हैं, जिस राज्य में कोई ज्यादा मुश्किल आई है, कोई आफत आई है या ज्यादा संकट में फंस गया है, उस राज्य की हेल्प करनी, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पंजाब की हेल्प करनी चाहिए, हम अपने वादों से नहीं पीछे हट रहे। कपूर साहब, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन इस बीच सवाल मैंने ये भी किया कि बहुत से ऐसे वादे कर दिए गए जिनको पूरा करना आसान काम नहीं होगा, चाहे किसी पार्टी की सरकार किसी स्टेट में क्यों ना हो, क्योंकि फ्री की चीज अगर दी जाती है तो उसके लिए बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। अब ऐसे में ये जो एक कुछ बूंदे हैं, इन बूंदों से फर्क पड़ेगा क्या? मैंने 80 करोड़, 90 करोड़, या 100 करोड़, या 150 करोड़, 200 करोड़ भी अगर बच जाते हैं तो उससे कितना फर्क पड़ सकता है? और एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, मैं लगातार एक बात कर रहा हूं कि इस बात का असर कहां तक पहुंचेगा, चाहे बीजेपी शासित राज्य है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य है, इसके अलावा किसी और पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में है, वहां पर इन चीजों का असर आने वाले दिनों में दिखेगा क्या? और यह भी मैं बता दूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब तक कोई बड़ा वोट बैंक का नुकसान नहीं होता ऐसे कदम उठाती नहीं है, लेकिन यहां तो कदम सरकार बनने के बाद उठाया गया है। देखिए, अभी 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी प्रधानमंत्री जी से मिलके आए, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल के अंदर एक शिष्टाचार भेंट थी, और पहली मीटिंग में ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पहले साल और दूसरे साल के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की। पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्पेशल पैकेज तभी दे सकती है अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई रोड मैप उन्हें दे कि ये पैसा वो कहां पे खर्च करने वाले हैं। आज सिचुएशन ये है कि पंजाब में इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीबीज के वादे किए हुए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की इलेक्शन के दौरान एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ रुपए है और 40% के करीब पैसा करप्शन में चला जाता है, तो उन्होंने कहा चलो मैं अज्यूम कर लूं कि 20% पैसा भी करप्शन का हम बचा ले तो 34,000 करोड़ रुपया तो हम ऐसे ही बचा लेंगे, और दूसरा सैंड पॉलिसी से, माइनिंग पॉलिसी से हम 20,000 करोड़ रुपया आसानी से निकाल सकते हैं और 54,000 करोड़ रुपया तो हमारी पॉकेट में है। ये इन्होंने बड़े बड़े क्लेम वहां पर किए थे इलेक्शन के दौरान। तो आज जब 54,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी उस समय कह रहे थे कि उनकी पॉकेट में है, तो भगवंत मान जी को प्रधानमंत्री जी से 50,000 करोड़ का पैकेज मांगने के बजाय केजरीवाल जी के पास जाना चाहिए था कि वो जो 54,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा था उनकी पॉकेट में पड़ा है वो आज पंजाब सरकार को दे दे। तो 54,000 करोड़ रुपया अगर पंजाब सरकार को मिल जाता है या बच जाता है तो उनके तो वैसे ही सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो अपने वादे करके आए हुए हैं ना, आज इन वादों को पूरा करने के लिए इन्हें पैसे की जरूरत है, सेंटर से पैसा ये स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, और कल को ये बेसिकली लोगों के पास जाके टीकरा फोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से इन्होंने पैकेज मांगा, उन वहां से हमें पैकेज नहीं मिला, इसलिए हम आपके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखिए, सबसे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सबसे पहला क्राइसिस आज की डेट में पंजाब के लिए है रेवेन्यू को बढ़ाना। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन्हें 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो उन्हें अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा। ये भगवंत मान जी इसका एक उदाहरण सेट कर सकते थे अगर ये गवर्नर हाउस में सीएम की शपथ ले लेते सीएम की, तो जो 2.5 करोड़ रुपया वेस्ट हुआ उस समय वो कम से कम बच जाता और एक उदाहरण जनता के सामने आता। ठीक है, एक एग्जांपल उस वक्त सेट कर सकते थे, ये सवाल उस वक्त भी उठा था। ठीक है, जल्दी से बोलिए। और दूसरी बात है कि आज जितना इन्होंने माफिया का प्रोपेगंडा किया इलेक्शन के दौरान कि ये जो पैसा है माफिया की जेब में जा रहा है, मिनिस्टर्स की जेब में जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जा रहा है,
अब तो इनकी सरकार बन चुकी है, इन्हें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, जो पैसा माफिया की जेब में पैसा जा रहा है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। और ये मानना आपका कपूर साहब की 50,000 रुपए या फिर जो 50,000 करोड़ की बात हो रही है, 1,00,000 करोड़ की बात हो रही है, उसको मांगने की जरूरत क्या थी? और उन्होंने पहले ही इतने बड़े वादे किए थे, मैं इस तरीके से अपने खजाने को भर लेंगे। चहल साहब, एक बड़ी बात निकल कर ये भी सामने आई कि जो खजाना खाली हो गया, इसको भरने के लिए ये जो पेंशन की बात हो रही है, इसके साथ साथ ये बात हो रही है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर, माफिया राज को लेकर कैप्टन सरकार पर आरोप लगातार लगाते रहे, अब उसको खजाने को भरने के लिए क्या केजरीवाल सरकार की तरफ से किए गए वादे माकूल प्रतीत होते हैं या फिर केंद्र के सहयोग की जरूरत है और इस प्रकार की पहल की जरूरत है? दूसरा सवाल कि जो राज्य सरकारें, चाहे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको भी कदम उठाना चाहिए कि पुरानी जो पेंशन लगातार 5-6 बार की लोग ले रहे हैं, विधायक ले रहे हैं, सांसद ले रहे हैं, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। देखिए शमशेर जी, सबसे पहली बात तो यह है, जहां तक आप पेंशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इसके लिए पंजाब की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर पड़ेगा अगर इस तरह से स्टेट्स अपने तौर पे कोई स्टेप्स लेते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल मैं बीजेपी वाले भाई की बात से सहमत हूँ कि भगवंत मान जी को जैसे कैलकुलेशन केजरीवाल साहब करके गए थे, वो इस तरह से करके गए थे कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि माफिया होता है, माइनिंग माफिया भी होता है और दूसरा भी होता है, बट कहीं ना कहीं वो फिगर्स बहुत ज्यादा गलत दे चुके हैं। पंजाब के सर पे 3,00,000 करोड़ का कर्ज है, जिसका ब्याज 30,000 करोड़ रुपया हम लोग भरते हैं, उसका ब्याज देते हैं। आप देखिए, 30,000 भरते हैं उसका ब्याज, ईयरली भरते हैं, और 100 करोड़ हम मांगने चले हैं, और उसके बाद हमने वायदे इतने बड़े बड़े कर लिए हैं। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा जरूर भरेगा, पर हमें कहीं ना कहीं जो वादे किए उनको भी सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से किए हैं, कि हम क्या उन वादों को पूरा कर सकते हैं, क्या पंजाब स्थिति में था उन वादों को पूरा करने के लिए। जब ये बात करते थे, कर्जा कुर्की की बात किया करते थे पहले, बड़े इनके प्रवक्ता आया करते थे, आज हरपाल चीमा जी भी 1-2 बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, तो मैंने उनको भी कहा था कि आप विपक्ष में होने के बाद कांग्रेस को वो फार्मूला बता दीजिए कि पंजाब किस तरह से अपने पैरों पे आ सकता है, आप बताना फर्ज बनता है, क्यों आप पंजाबी हैं। चलो ठीक है, तब उन्होंने नहीं बताया वो फार्मूला, तब कि जी ऐसे करती है सरकारें, ऐसे करती है, अब खुद जब सरकार में बैठे हैं तो इस बात को करके दिखाएं कि जो केजरीवाल जी ने कैलकुलेशंस की थी, उन कैलकुलेशंस के बिहाफ पे पंजाब का कर्जा कैसे उतर सकता है। आज हम लोगों ने दुकान खोली, नई दुकान खोली, सरकार हमने बनाई, और सरकार बनते ही हम जाके 100 करोड़ मांगने चले जाते हैं। बिल्कुल केंद्र से हमारा मांगने का बिल्कुल हक है, हम मांग सकते हैं, क्योंकि पंजाब ने बड़े महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं बुरे वक्त में भारत के लिए, पर हमें ये सोचना भी चाहिए कि जो एक हमारी साथ में कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो किस तरह से होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए। मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता है कि अगर मोदी जी 100 करोड़ के लिए जवाब दे देते हैं तो शायद ये लोगों के बीच में यही आके प्रचार करेंगे कि देखिए हमने केंद्र से मांगा था पैसा, केंद्र ने हमें दिया नहीं, इसीलिए हम वादे पूरे कर नहीं सकते। आप हिसाब लगाइए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप 1,000 रुपए महीना एक लेडीज को देते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोट 1,35,000 है और 40,000 लेडीज है, 40 करोड़ रुपया मंथ का बन जाता है, और ईयर का कितना बन गया। अब उसको 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैलकुलेट कीजिए, बिजली का कीजिए, जो बड़ी समझ से चलने वाली बात है। जो आज स्टेप लिया, बड़ा अच्छा स्टेप लिया, स्टेप अच्छा है, लेकिन इसको लेकर बॉबी सिंह क्या कहते हैं? बॉबी सिंह जी, एक तो बात ही उठी कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसको लेकर सवाल उठा, दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि बिजली फ्री की बात हुई है, किसानों को पानी को लेकर बात लगातार होती रही है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा सरकार लगातार, मतलब विपक्ष में जब थे या फिर चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी करती रही, और महिलाओं को जो 1,000 रुपये 18 साल से ऊपर की महिलाओं को देने की बात हुई है, ये चीज़ें क्या इसके ऊपर बोझ डालेंगी, और इसको लेकर क्या फिर से एक बार मैं कहूँ कि पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? ये बिल्कुल पुनर्विचार करना चाहिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, ये हर पार्टी के लिए मान्य है। जब हम इलेक्शन में होते हैं तब हम बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो घोषणा करने से पहले हमारा विजन होता है कि वो पैसा कहाँ से आएगा? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, हर पार्टी के लिए है। ठीक है, कि हम किसी को जब हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो हम बहुत वादे कर देते हैं, क्या हमारा वो विजन होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम वो चीजें कैसे पूरी करेंगे? ये
बहुत बड़ा एक सवाल है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस पहले जारी करना चाहिए इलेक्शन से पहले कि जो भी पार्टी जो भी ऐलान करती है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये करेंगे उनका एक विजन प्रूफ होना चाहिए। और मेरे भाई ने जैसे कहा ये बहुत ठीक बात है कि आज आप वादे तो आपने किए हैं और आप आज देख रहे हैं कि आप पूरी करने की स्थिति में नहीं है, ये कोई भी पार्टी की बात है। तो आज आप केंद्र पे जाके कहें कि जी हमें वो इतने पैसे दे दो तो केंद्र आपका रोड मैप देखेगा कि आप किस डेवलपमेंट के लिए वो मांग रहे हैं पैसा, या फिर अपनी जो आपने फ्री के वो जो वादे किए हैं आप वो पूरा करने के लिए कर रहे हैं। खजाने पर, और उसके बाद अगर किसी भी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से डिमांड की जाती है चाहे 50,000 करोड़ की हो 1,00,000 करोड़ की बात हो, उसकी पूर्ति कैसे केंद्र सरकार करेगी सोच समझ कर करेगी, उसके लिए रोड मैप तो उसको चाहिए। ठीक है, चहल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सरकारों का तो ये फर्ज बनता है जो भी गवर्नमेंट पावर में आना चाहती है लोगों के साथ वायदे कर लेते हैं, पर लोगों को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए, लोगों को सरकारों को ये बोलना चाहिए कि आप हमें रोजगार दो, आप हमें 35,000 की नौकरी दो, उसमें से ही हम अपना 1,000 रुपए महीना निकाल लेंगे। क्योंकि ये जो पंजाब जितनी देर इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी पंजाब में कि फ्री की वाली बात चलेगी उतनी देर कुछ नहीं हो सकता। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग में बैठे तो उन्होंने हमारे विचार लिए, तो हम लोगों ने भी नवजोत सिंह सिद्धू को यह कहा कि आप गलत वादे कर रहे हैं, बाकी फैसला लेना मैनिफेस्टो बनाना हाईकमांड का काम है। अगर आप हमारा व्यू लेना चाहते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि आप रोजगार दो लोगों को। जी ठीक है, रोजगार दो। उसमें संगेरा साहब रोजगार को लेकर बात हो रही है और जो वादे किए गए उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप लोग रोड मैप केंद्र को दें तब, चाहे 50,000 करोड़ की बात हो या फिर 1,00,000 करोड़ की बात हो, उसको लेकर केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। पर अब आप लोगों ने जो वादे किए हैं चुनाव से पहले उनको भी आप लोगों को पूरा करना है, उन्हें आप लोग कैसे पूरा करेंगे। आप लोगों के सामने इधर कुआं है तो उधर खाई है, एक तरफ कर्ज को आपको पाटना है, दूसरी तरफ जनता से के वादों को पूरा करना है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में इस वक्त आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जो लोगों की तमाम आकांक्षाओं को उम्मीदों को पूरा कर पाएगी जो आप लोगों ने उनसे बातें की हैं? हम पीछे नहीं हट रहे, हम जो भी वादे किए हैं हमारे पास रोड मैप है, हम वो एक एक करके सभी वादे पूरे करेंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये इस बात को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है कि हमने केंद्र से पैसे क्यों मांग लिए। देखिए ये एक कड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जगह है, फेडरल गवर्नमेंट केंद्र सरकार अपनी जगह है, दोनों का एक रिश्ता है। और जो केंद्र सरकार से रेगुलरली स्टेट्स में फंड आते हैं, और कांग्रेस पार्टी के राज में तो वो फंड अनयूटिलाइज वापस चले जाते थे क्योंकि उसमें जो सूबे ने अपना हिस्सा डालना होता है इनके पास पैसा ही नहीं होता था। तो हम तो ऐसे नहीं होने देंगे, हम तो और भी विनती करके केंद्र सरकार से भी पैसे लेंगे और अपना माफिया राज भी बंद करेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने बताया था वो सही बताया था। चलिए ठीक है, रुकूंगा आपको मैं। संगेरा साहब आज चर्चा एक अहम मसले पर हम कर रहे थे, पंजाब सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भगवंत मान ने इसको लेकर ये कहा कि जिन विधायकों को 5 से 6 बार या 10 बार जीत मिली हो लेकिन लगातार वो पेंशन ले रहे हैं, इसका बोझ खजाने पर पड़ता है, लेकिन वहां से जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए किया जाएगा, रोजगार के लिए किया जाएगा। लेकिन क्या इस निर्णय के चलते आने वाले दिनों में बाकी राज्यों की सरकारों की तरफ से भी ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा, या फिर इस फैसले को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे चुनाव में और सरकार आने के बाद उन वादों को पूरा करने के लिए खजाने में पैसा है नहीं, उस खजाने को भरने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, या इसके साथ साथ ये कहा जाए कि केंद्र से जो राशि स्पेशल जिसको हम कोटे की बात कर रहे हैं जो मांगी गई है उस कोटे का पैसा कितना पंजाब सरकार को मिलता है, ये तमाम चर्चा का विषय रहेंगे आने वाले दिनों में। पर पहल को बेहतर सभी पार्टियां बता रही हैं, अच्छा कदम है, और इस कदम का पालन बाकी राज्य सरकारों में भी किया जाना चाहिए, ऐसी बात भी चर्चा में निकलकर सामने आई। पर महत्वपूर्ण यही है कि क्या इसका असर आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में दिखेगा, केंद्र में भी दिखेगा, ये चर्चा का विषय बना रहेगा। बहुत शुक्रिया कपूर साहब आपका, चहल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बॉबी सिंह जी आपका भी, और संगेरा साहब आपका भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, वो इसलिए उठाए जाते हैं ताकि बोझ को कम किया जा सके। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी खेतीबाड़ी अच्छी है, उनकी लाखों के पैदावार वैसे महीने की है, तो स्वेच्छा से भी इस कदम को उठाया जा सकता था। दूसरा ये भी है
कि क्या इस प्रकार के कदम सांसद भी उठाएंगे या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, और बाकी जिन जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें हैं वहां से भी इस बात की पहल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन नीति का जिस तरह से मसला उठा था उसमें एक ही बात हमेशा चर्चा का विषय रही थी कि हमें पेंशन क्यों नहीं मिलती, जबकि विधायक एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी जीत जाता है उसको उतनी बार पेंशन मिलती है। अब इस मसले पर भी चर्चा का दौर गर्म रहेगा। ये भी स्थिति बन सकती है कि तमाम राज्य सरकारों में इस बात को लेकर मांग उठने लगे कि हमें भी पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। कुछ राज्यों में मांग उठ रही है, पर इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भगवंत मान ने फैसला लिया उसका बाकी राज्यों पर क्या असर देखने को मिलेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।